हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है। और आप इस चटनी को एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और आप इसे किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख पाएंगे। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस खट्टी मीठी चटनी को बनाना। तो यहाँ पर गैस पर मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें गर्म किया है मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच कटे हुए लहसुन। इसे हम 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे सौंफ और 2 तेज पत्ते। साथ ही में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, इस तरह से इसे बीच में से तोड़ के आप डालें। और इन सबको हम कुक करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, जिससे कि ऑयल में इन सबका फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg टमाटर लिया है, जिसे मैंने रफली काट लिया है, और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दें आप, और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। गैस का फ्लेम आप मीडियम पर रखें। तो 5 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं पहले से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg टमाटर के लिए 200 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, ये भी मेल्ट हो जाएंगे इसमें। और गुड़ को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करके फिर से हम इसे कवर कर देंगे, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो गुड़ है वो मेल्ट नहीं हो जाती। गैस का जो फ्लेम है वो आप मीडियम पर रखें। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और जो गुड़ है वो पूरी मेल्ट हो गई है और ये काफ़ी लिक्विडी हो गया है। तो इसे मिक्स कर दें, और फिर से इसे कवर करके हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता, कम से कम 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए चटनी का जो कलर है वो भी पहले से डार्क हो गया है, और ये पहले से ड्राई भी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे सॉल्ट, और इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 1 मिनट हो गए, ये देखिए इसे पकते हुए, और चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी है बन करके। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो रेडी हो गई है हमारी क्विक एंड इजी टमाटर की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी। तो आप भी इस चटनी को घर में ट्राई करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।